कहा जाता है कि प्रतिभा कभी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, बस जेहन में कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। इसी कहावत को बिहार की बेटी श्रीजा ने सही साबित कर दिखाया है। वैसे तो बिहार हमेशा से असाधारण सफलता की कहानियों के लिए मशहूर है। इन्हीं कहानियों में से शुक्रवार 22 जुलाई को CBSE परिणाम 2022 की घोषणा के साथ बिहार के इतिहास के पन्नों में एक और कहानी जुड़ गई है। श्रीजा जब 5 साल की थी तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। बाद में पिता का साया भी सिर से हट गया। मजबूर होकर श्रीजा छोटी बहन के साथ ननिहाल चली गई, लेकिन उसने कभी भी अपने जीवन की चुनौतियों से समझौता नहीं किया। आज वही श्रीजा CBSE कक्षा 10वीं के परिणाम में 99.4% अंक हासिल करने के बाद बिहार की स्टेट टॉपर बनकर इतिहास रच चुकी है। टॉपर बनने के बाद से ही श्रीजा सुर्खियों में है। माँ की मृत्यु के बाद श्रीजा ने नाना नानी को ही अपना सब कुछ मान लिया। मामा ने उसकी देखभाल की, जबकि पिता ने कभी भी उसकी खोज खबर नहीं ली। पिता दूसरी शादी कर गृह जीवन में व्यस्त हो गए। हालांकि श्रीजा अब स्टेट टॉपर हो गई है, जिस कारण उसे पूरे भारत से सराहना मिल रही है। सफलता इतनी बड़ी है कि उसके पिता अपनी बेटियों से बात करने के लिए मजबूर और लालायित हो रहे हैं। श्रीजा को भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी सोशल मीडिया पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा, त्याग और समर्पण की अद्भुत दास्तां। मां का साया हटने पर भी पिता ने जिस बेटी का साथ छोड़ा, उसने नाना नानी के घर परिश्रम की, पराकाष्ठा कर इतिहास रच दिया। बिटिया का 10वीं में 99.4% अंक लाना बताता है कि प्रतिभा अफसरों की मोहताज नहीं है। मैं आपके किसी भी काम आ सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। मीडिया से बातचीत में श्रीजा की नानी ने कहा, इस अवसर पर हम बहुत खुश हैं। मेरी पोती आज मशहूर हो गई है, उसने अपना नाम रोशन कर लिया है। होनहार श्रीजा आगे चलकर IIT मद्रास में पढ़ाई करना चाहती है, हम उसकी यह इच्छा भी पूरी कराएंगे। सुनने वाला का आँख में लगा होगा कि क्या कर दिए हम, हम तो पा लिए, अब पछताओ। किसके बारे में बोल रही हैं? दामाद के बारे में बोल रहे हैं, पछताएगा ही ना कि छोड़ दिए यार। तो हम बहुत खुश हैं, आज ही जो हो रहा है उन्हीं के दरवाजा पर होता, आज मेरे दरवाजा पर हो रहा तो हम जैसा कौन भाग्यशाली होगा। मतलब बेटी के मरने के बाद दामाद जो थे वो छोड़ दिए थे? कभी नहीं आए। दूसरी शादी? दूसरी शादी कर ली, कभी नहीं आए। बच्चों को देखते कभी नहीं आए। तो आज तो हम भाग्यशाली निकले।